हेलो फ्रेंड, यदि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आपको पता ही होगा कि टैग कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वीडियोस के लिए, क्योंकि दोस्तों टैग के वजह से आपका वीडियोस रैंक करता है और आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज होता है और काफ़ी ज़्यादा आपका जो है व्यूज़ आता है। तो दोस्तों आज सभी के बारे में बात करेंगे और उसमें से आपको यदि नहीं पता है कि टैग क्या चीज़ होता है, कहाँ से लगाते हैं और कितना टैग लगाना चाहिए, तो आज इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं दोस्तों टैग के बारे में। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रीतम यादव ऑफिशियल। यदि हमारे चैनल पे आप न्यू आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है दोस्तों आपका होता है टाइटल, टैग एंड डिस्क्रिप्शन। तो आप टाइटल जो भी रखना चाहे वो टाइटल रख लेते हैं, और यदि आपको टाइटल नहीं पता कि कैसे टाइटल दें और इस वीडियोस के लिए कौन सा सही टाइटल होगा तो आपको यह वीडियो देख लेना है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, यदि आपको यह भी नहीं पता है कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिंक डालना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें रखना चाहिए और आपका पर्सनल अकाउंट कौन कौन से डालना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको यह मिल जाएगा पूरी जानकारी। आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या चीज डालना चाहिए, कितना वर्ड का लिखना चाहिए, तो पूरा चीज आपको यहां से मिल जाएगा। तो आप यदि चाहो तो इसका भी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको टैग कितना लगाना चाहिए, कहां से लाना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग है जो आपके वीडियो के लिए परफेक्ट होने वाली है, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको टैग कितना लगाना है, तो दोस्तों आपको टैग मिनिमम आपको 10 से 12 टैग लगाना है दोस्तों। यह नहीं कि कोई सा भी टैग लगा दें। जिस कैटेगरी का आपका वीडियोज है, जिस कैटेगरी से आप वीडियोज बनाए हो, उस कैटेगरीज का आपको टैग लगाना है। कम से कम आपको 10 से 12 मिनिमम टैग आपको लगाना ही है वीडियोज में। और एक बात आपको याद रखना है, आपको उसी टैग को लगाना है जो ट्रेंडिंग में है, जो ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा कुछ टैग लगाओगे जो कोई सर्च ही नहीं करता है, कभी देखता ही नहीं है, तो वो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आप बोलोगे कि ट्रेंडिंग टैग कहां से लाएंगे, है ना, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको ट्रेंडिंग टैग कहां से लाना है और कहां से आप लगा सकते हो। तो चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपका जो भी टाइटल है, आप जो भी टाइटल लिखें, आपका जो भी टाइटल, उस टाइटल को आपको क्या करना है, यूट्यूब का जो सर्च बार होता है, यहां पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर में मैं दिखा रहा हूं, यहां पे आपको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने यूट्यूब के जो आपका सर्च बार होता है, जहां से आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं, वहां पे अपना टाइटल को पूरा लिखना है। तो जैसे आप अपना पूरा टाइटल को यूट्यूब के सर्च बार में लिखेंगे तो आपको जो तीन चार जो आपको दिख रहा है यहां पे टैग, दोस्तों ये तीन चार टैग को आपको कॉपी करके नोट करके रख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, मान के चलिए आप करते हैं कि वीडियो अपलोड कैसे करें, तो आपको सिर्फ लिखना है वीडियो अपलोड, तो वहां पे बहुत सा ऑप्शन आ जाएगा आपको दोस्तों कि वीडियो अपलोड कैसे करें, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो बहुत सा आ जाएगा आपको दोस्तों। उस हिसाब से आपको चार पांच जो मेन टैग है उस टैग को आपको नोट करके कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना, आपका यदि वीडियो का दूसरा कोई टाइटल है तो वह टाइटल को आप सर्च कर सकते हैं, वहां से जो आपको फिर से टॉप पे मिलेगा चार पांच टैग, उस टैग को आपको जो है फिर से नोट करके कॉपी करके रख लेना है। और वह जो टैग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है दोस्तों, उस टैग को आपको निश्चित ही अपने टैग बॉक्स में डालना है। उसके बाद यदि आप बोलेंगे आपको ज्यादा टैग का जरूरत है तो आपको क्या करना है, सिंपली सा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टैग बहुत सारा डालना पड़ता है, तो वह डालने के लिए आपको सिंपली से जाना पड़ेगा दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है, रैपिड टैग का एक नाम का वेबसाइट है, उस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद उसको ओपन कीजिएगा। वह ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद आपको आपका जो भी टाइटल है वीडियोस का, वह टाइटल को आपको कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली सा सर्च करना है, तो आपको बहुत सारा टैग मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट टैग होता है दोस्तों। यहाँ पे जो रनिंग होता है, जो ट्रेंडिंग टैग होता है ना, वही टैग आपको यहाँ पे शो करेगा। तो वह सभी चीज को कॉपी करके आपको टैग को फिर से नोट करके आपके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आप जहां चाहे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यदि आपका दूसरा कोई टाइटल है तो अपना अलग अलग टाइटल से, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपका टाइटल है, अलग अलग तरीके से सर्च करके वह टाइटल को आप वहां से सर्च करके वह टैग को आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, अपने टैग बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका वीडियो जो है काफी ज्यादा रैंक करेगा, क्योंकि वह ट्रेंडिंग टैग है दोस्तों। और यह ट्रेंडिंग में जो टैग चलता है वही टैग आपको रैपिड टैग बताता है। तो यह आपको वेबसाइट बता दिया, इस वेबसाइट में जाके आप वहां से सर्च करके अपना टैग
लगा सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से अपने वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट टैग लगा सकते हैं जो कि आपके वीडियोस को रैंक करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आपको टैग किस तरह से लिखना है, और आपको मैं यह भी बताया यदि आपको टाइटल नहीं लिखना आता है, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना आता है, जो मैं वीडियोस बताया उस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मैं फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।